मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में एक नवाचार किया है। अब से बच्चे डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे, जिससे आधुनिक जीवन में वे आगे बढ़ सके और स्वच्छता भी उनको मिल सके। इसकी जानकारी प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी। उन्होंने कहा कि इस नवाचार की सराहना केंद्र सरकार ने भी की और कहा कि ऐसा काम भारत के हर प्रांत में होना चाहिए। अभी तक बच्चे ग्रामीण परिवेश के भारत वर्ष में तार पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे और तार पट्टी पे बैठ के खाना खाते थे। ये प्रथम बार पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में मेरे मंत्री बनने के पश्चात मेरा पहला निर्णय था, जिसमें मैंने ये आदेश किया था कि बच्चे जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे खाएंगे और उसी टेबल पे पढ़ेंगे और उसी टेबल पे बैठ के मध्याह्न भोजन का आनंद लेंगे, जिससे आधुनिक जीवन में वो आगे बढ़ सके और स्वच्छता भी उनको मिल सके। ये भारत शासन ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में ये जो नवाचार हुआ है इसको प्रारंभ किया जाए। मध्य प्रदेश में हमने 26,000 स्कूल्स में ये प्रारंभ कर दिया है। मनरेगा से हमने, जिसमें ज्यादा फंड भी नहीं लगेगा, मात्र 16,000 रुपए में पूरा एक हॉल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें पत्थर की बेंच होगी और पत्थर की टेबल होगी, उसके ऊपर बैठ के बच्चे पढ़ेंगे और उसी के ऊपर मध्याह्न भोजन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।